हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे मटर पनीर की सब्जी, वो भी बिना प्याज और लहसुन के। तो वीडियो में आप देखेंगे इस तरह सब्जी बनाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी। तो चलिए फटाफट से बनाते हैं। यहाँ पर हमने 200 ग्राम पनीर लिया है, जिसे कि हमने इस तरह से टुकड़ों में कट कर लिया है। पनीर के टुकड़े आप छोटे या बड़े अपने पसंद के कट कर सकते हैं। और इसी में से थोड़ा सा पनीर हमने बचा लिया था, जिसे कि हमने इस तरीके से कद्दूकस करके रख लिया है। इस पनीर का यूज़ हम बाद में करेंगे सब्जी बनाने में। और इसी के साथ यहाँ पर आधी कटोरी हमने लिया है काजू का पेस्ट। तो 10 से 15 काजू हमने भिगो दिए थे और मिक्सर के जार में पीस कर इस तरह से पेस्ट बना लिया था। और आधी कटोरी हमने ली है मटर, जो कि आप देख सकते हैं उबली हुई है। और इसी के साथ 2 बड़े टमाटर को हमने कद्दूकस कर लिया था और इस तरह से पेस्ट बना लिया था। सारी चीज़ें हमने पहले से ही तैयार करके रख ली हैं। और कुछ हमने लिए हैं खड़े गरम मसाले, जिसमें 1 बड़ा चम्मच साबुत धनिया, आधा चम्मच सौंफ, आधा चम्मच जीरा, थोड़ी सी काली मिर्च, 2 हरी इलायची, 3 से 4 लौंग, 1 टुकड़ा दालचीनी का, 4 से 5 सूखी लाल मिर्च और 1 हमने ली है बड़ी इलायची। इसी के साथ 1 चम्मच हमने ली है कसूरी मेथी। तो सबसे पहले ये जो हमने मसाले लिए हैं, इन्हें हम अच्छे से पहले भूनेंगे। कसूरी मेथी का यूज़ हम बाद में करेंगे भूनने में। तो जो हमने बड़ी इलायची ली है, उसे इस तरह से खोलकर डालेंगे, जिससे कि सब्जी में फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। अब यहाँ पर मसाले जो हैं अच्छे से भून चुके हैं, तो कसूरी मेथी को भी हल्का सा हम भून लेंगे। और फिर ये जो मसाले हमने भुने हैं, प्लेट पर निकाल देंगे। और ठंडा होने के बाद इनका हम इस तरह से पाउडर बनाकर तैयार कर लेंगे, जिसका यूज हम सब्जी में बाद में करेंगे। इस मसाले से सब्जी में टेस्ट जो है बहुत ही अच्छा आएगा। अब इस मसाले को हम साइड में रख देंगे। अब यहाँ पर हमने एक बर्तन में पानी गर्म होने रखा था, लगभग 1 गिलास पानी अच्छे से गर्म है, तो पानी को हम साइड में रख देंगे। और कढ़ाई में तेल डालकर जो हमने पनीर कट करके रखा था, सबसे पहले हम सारे पनीर को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और जब पनीर अच्छे से फ्राई हो जाए, तो जो हमने पानी गरम किया था, उसमें ये सारा पनीर डाल देंगे फ्राई किया हुआ। पानी में डालने के बाद पनीर को हम ढक के रख देंगे, जिससे जो पनीर है बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा और साइज में बिल्कुल डबल हो जाएगा। अब कढ़ाई में जो तेल बचा हुआ है, उसमें हम थोड़े से काजू को पहले फ्राई कर लेंगे, जिसका यूज़ हम सब्जी में करेंगे। अभी जो ये तेल है अच्छे से गर्म है, इसमें ऐड करेंगे जीरा। जीरा को हम भूनेंगे, फिर इसमें ऐड कर देंगे थोड़ी सी हींग, हल्दी पाउडर, कश्मीरी मिर्च का पाउडर, जिससे कि सब्जी में कलर अच्छा आएगा। और फिर हम इसमें ऐड कर देंगे पिसा हुआ टमाटर, अच्छे से मिला देंगे। स्वाद के अनुसार इसमें ऐड कर देंगे हम नमक। और अब गैस का फ्लेम हम तेज कर देंगे और ये जो टमाटर का मसाला है, हम चलाते हुए अच्छे से भूनेंगे। आप चाहें तो इस टाइम पर गैस को धीमा कर दें और मसाले को ढककर भी पका सकते हैं। और जब मसाला अच्छे से भून जाए, तभी हम इसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच मलाई। तो घर के दूध की जो मलाई होती है, उसे आप यूज़ कर सकते हैं। मलाई डालने के बाद अब अच्छे से मसाले में मिलाएं। और फिर इसमें ऐड कर दें काजू का पेस्ट और फिर से सारी चीज़ों को अच्छे से मिलाएं। गैस का फ्लेम तेज कर दें और अच्छे से चलाते हुए मसाले को भूनें, तब तक जब तक कि इसमें तेल ना अलग हो जाए।
और जब मसाला अच्छे से भुन जाए तभी हम इसमें ऐड कर देंगे उबली हुई मटर, थोड़ा सा कसा हुआ अदरक मिलाएंगे। ढक के रख देंगे धीमी आंच पर। 1 से 2 मिनट के लिए इसे हमें धीमी धीमी आंच पर पका लेना है। उसके बाद इसे हम खोलेंगे और फिर हम इसमें ऐड कर देंगे कसा हुआ पनीर। पनीर को डालने के बाद आप गैस का फ्लेम लो कर दें और धीमी धीमी आंच पर थोड़ा सा पकने दें। उतनी देर में जो पनीर हमने पानी में डाला था उसे निकाल कर हम रख देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पनीर जो है बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। तो सारे पनीर को हमें पानी से निकाल लेना है और जो ये पानी बचा है इसे हम सब्जी बनाने में यूज़ कर लेंगे ग्रेवी के लिए। तो पनीर को निकालने के बाद इसे हम मसाले में ऐड कर देंगे, अच्छे से मिलाएंगे। और फिर हम इसमें ऐड करेंगे 1 बड़ा चम्मच खड़ा गरम मसाला जिसका हमने पाउडर बना के रखा था। इस मसाले से सब्जी में बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। अच्छे से मिलाएंगे और ज़रूरत के हिसाब से इसमें हम पानी ऐड करेंगे। तो जो पानी बचा था उतना ही पानी हम इसमें ऐड कर देंगे। आप चाहें तो इसमें और भी पानी ऐड कर सकते हैं सब्जी में। अब गैस का फ्लेम लो कर देंगे। सब्जी को हम धीमी धीमी आंच पर 10 से 15 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। 10 मिनट के बाद आप इसे खोलें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सब्जी बहुत ही अच्छे से बन चुकी है और बस इतनी ही ग्रेवी इसमें काफ़ी है क्योंकि ठंडे होने के बाद थोड़ी सी ये और गाढ़ी होगी। तो इस टाइम पर आप गैस को बंद कर दें और सब्जी को थोड़ी देर बाद हम सर्व करेंगे जिससे कि इसमें कलर बहुत ही अच्छा सा आ जाएगा। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बिना प्याज और लहसुन के पनीर की सब्जी ये बनकर तैयार है। इसे आप इस तरह से ज़रूर बनाकर ट्राई करें। इस पर आप थोड़ा सा हरा धनिया और जो हमने काजू फ्राई किए थे उससे आप इसे गार्निश कर दें जिससे कि और भी ज़्यादा ये टेस्टी लगेगी बनाने में। इस सब्जी को आप घर पर छोटी मोटी पार्टी में भी बनाकर सर्व कर सकते हैं। और यदि आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।